ये तीसरी डिश बनाने जा रही हूँ, इसमें से मैं एक चम्मच उड़द की दाल अलग कर दूँगी और बाकी सब पेस्ट बना दूँगी। तो देखिए, इसके लिए इसमें मैं मिलाने के लिए एक प्याज को बारीक बारीक कतर लिया है और चार पांच लहसुन की कलियाँ हैं वो काट लिया है, तीन चार हरी मिर्च काट के रखा है और नमक तो ऑलरेडी हम इसमें डाल चुके हैं, नमक, ज़ीरा, हल्दी, ये थोड़ा सी धनिया पाउडर, इसमें धनिया कटा हुआ हम इसमें डाल देंगे और ये मिर्च कुटी हुई थोड़ी डालेंगे क्योंकि मेंदू वड़ा बनाने जा रहे हैं, और इसमें अदरक लहसुन का थोड़ा पेस्ट डालेंगे, नमक फिर से चख लेंगे, जीरा पाउडर थोड़ा डाल देंगे और अब मैं इसे फेंट लेती हूँ, मिला लेती हूँ अच्छी तरह से। कढ़ाई में तेल तो ऑलरेडी गरम है, अब मैं इसे मेंदू वड़ा बनाने के लिए थोड़ा हाथ में पानी लगाएंगे। ये टिकिया ऐसे गोल करेंगे और बीच में गोल करके मैंने इसमें प्याज लहसुन मिर्च डाला है क्योंकि अक्सर मेंदू वड़ा में कुछ नहीं मिलाते हैं तो एकदम सादा सादा लगता है, ये डालने से मेंदू वड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए मैंने इसमें सारे मसाले मिलाए हैं और आपको जब खाने लगेंगे तो फीकापन नहीं महसूस होगा। देखिए इस तरीके से बिना किसी साँचे के ये मेंदू वड़ा का जो शेप है वो मेरी मम्मी बना रही है, तो जिनके पास साँचा नहीं है तो वो हाथ से ही बनाए, हाथ से ही बीच में ऐसे होल करके दोनों साइड में होल करके इस तरीके से बनाइए, पानी लगाइए, उलट पलट कर पानी लगाइए और फिर ये होल बनाकर इसके शेप को फिर इसमें डालिए। बिना साँचे के हम बनाते हैं, अब जब थोड़ा लाल हो जाए तो हम पलटेंगे, जो लाल हो चुका है उसे पलट दें। इसी तरह सारे मेंदू वड़े हम तलेंगे, एकदम नज़दीक नज़दीक ना डालें और ना ही ये चिपकने पाए, अच्छी तरह से इसे तलें। देखिए अब अच्छी तरह से ये पक गए हैं और लाइट ब्राउन हो गया है, इसे मैं अब निकाल रही हूँ। इसी तरह आप सारे टिकिया को, सारे मेंदू वड़े तलिए, देखिए कितना अच्छा शेप आया है बिना सांचे के। अब मैं सर्व करती हूँ। देखिए अब हमारे मेंदू वड़े सर्व करने के लिए रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। और बेल आइकन को दबाकर साइड में लाइन आए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल सके, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए।